इसके लिए हम इंटर कॉलेज के सभी कॉमर्स स्टूडेंट का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, वेलकम है। मैं आज आप लोगों को रिजर्व बैंक का संगठन, रिजर्व बैंक का प्रबंध बताने जा रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई तथा इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को की गई थी। 1 जनवरी 1949 को ये सरकार के हाथों में आ गई थी। सरकार पे जो है, सरकार ने इसको अपने हाथों में ले लिया। रिजर्व बैंक का जो है, जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, वो मुंबई में। तो इसमें रिजर्व बैंक के प्रबंध में जो है, इसमें 20 एक निदेशक मंडल के हाथ में होता है इसका प्रबंध। इसकी देखरेख जो है निदेशक मंडल के हाथ में होता है, जिसमें 20 सदस्य होते हैं। एक होता है गवर्नर एक होता है। भारत सरकार इस गवर्नर की नियुक्ति करता है। केंद्र सरकार इसकी नियुक्ति करती है एक गवर्नर की, 5 वर्ष के लिए। रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। 2 रुपए के नोट से लेकर 2000 तक के नोट तक के जो है, नोटों पर जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। इस वक्त है शशिकांत दास जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर है। दूसरा है 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं रिजर्व बैंक में। इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ये केंद्र सरकार जो है नियुक्त करती है, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं 5 वर्ष के लिए। इसके बाद होते हैं 10 निदेशक। भारत सरकार 10 निदेशकों को नियुक्त करती है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे कृषि से, व्यापार से, सहकारिता से, उद्योग से, हर क्षेत्रों से अलग अलग जो है एक एक निदेशक नियुक्त किए जाते हैं। ये 4 वर्ष के लिए होते हैं। एक एक निदेशक की जो अवधि होती है वो 4 वर्ष के लिए होती है। उसके बाद है 4 निदेशक, ये स्थानीय मंडल से नियुक्त किए जाते हैं, लोकल हेड ऑफिस से, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिण। 4 इसके जो है रिजर्व बैंक के जो है लोकल हेड ऑफिस हैं। पूर्वी का है कोलकाता, पश्चिम का है नई दिल्ली, उत्तरी का है मुंबई और दक्षिणी का जो है चेन्नई। ये चारों जो है लोकल हेड ऑफिस से एक एक जो है निदेशक नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद है 1 सरकारी अधिकारी होता है। रिजर्व बैंक जो है अपने एजेंट के रूप में एक सरकारी अधिकारी का नियुक्ति करता है। ये वित्त मंत्री का सचिव होता है। ये जो है, ये भारत सरकार जो है अपने एजेंट के रूप में जो है, अपने प्रतिनिधि के रूप में एक सरकारी अधिकारी की नियुक्ति करती है। वो है वित्त मंत्री का सचिव होता है, जिसका हस्ताक्षर 1 रुपए के नोट पर होता है। 1 रुपए के नोट पे वित्त मंत्री के सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो ये निदेशक, ये 20 सदस्य हो गए निदेशक मंडल में जो है, इसमें 20 सदस्य होते हैं। इसके बाद जो 4 स्थानीय कार्यालय हैं, उसके अलावा भी और जो है रिजर्व बैंक के जो है ऑफिस हैं, जहां से कार्यों को किया जाता है। जैसे कानपुर में है, पटना में है, कानपुर, पटना, जयपुर, नागपुर, गुवाहाटी, अहमदाबाद, हैदराबाद, यहां भी जो है रिजर्व बैंक के जो है कार्यालय हैं, जहां से कार्यों को किया जाता है। भुवनेश्वर में भी है,